लैक्टोज इंटॉलरेंस। पिछले कुछ सालों में इन दो शब्दों को आपने हेल्थ केयर में बहुत सुना होगा। इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी कई सारी चीजों का लिंक हमारे देश में बढ़ती बीमारियों से जोड़ा जाता है और जो कि काफी हद तक सच भी है, पर पूरी तरह नहीं। जी हाँ, इसके पीछे का पूरा सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वदेशी वीआईपी के साथ आपके लिए साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आई हूँ जिसे सुनकर और समझकर आपको पता चलेगा कि कैसे विदेशी ताकतों और उनके प्रभाव ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमसे दूर करने की नींव रखी। यहाँ तक कि काफी हद तक आज के समय में वो इसमें कामयाब भी हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनली भारत में डेयरी और डेयरी से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन भारी मात्रा में किया जाता रहा है। इसका एक कारण है हमारे जेनेटिक्स और भारत का ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना वेस्ट से की जाए तो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ डेयरी या प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पर फोकस रखना मुश्किल रहता है और इसी वजह से उनकी डाइट में रेड मीट का पोर्शन भारी रहता है। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत में ऐतिहासिक तौर पर लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी से जुड़ी कोई भी बीमारी इंडिया में नहीं पाई जाती थी, पर फिर कैसे कुछ ही दशकों में अचानक से डेयरी से जुड़ी इतनी सारी दिक्कतें हमारे जीन्स में कैसे इंट्रोड्यूस हो गई? इसका जवाब समझने के लिए आपको समझना होगा A1 और A2 प्रोटीन के बीच का सच। तो बहुत सरल भाषा में A2 प्रोटीन उस दूध से मिलने वाली एमिनो एसिड्स की चेन है जो कि स्वदेशी गाय की प्रजाति से मिलती है, और वही दूसरी ओर A1 प्रोटीन आपको हाइब्रिड गाय की प्रजाति से मिलता है। पश्चिमी देशों ने भारत को हाइब्रिड डेयरी से इंट्रोड्यूस कराया और इस तरह भारत में इंटॉलरेंट डेयरी जीन्स का प्रवेश हुआ। अब आप पूछेंगे इस बात के क्लेम के अगेंस्ट क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है? तो चलिए आपको एक बहुत ही पॉपुलर रिसर्च में पाए गए कुछ इंटरेस्टिंग कंक्लूजन से अवगत कराते हैं। न्यूजीलैंड, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में की गई एक स्टडी ने सेम एज ग्रुप और जेनेटिक्स के लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा और कुछ दिन की सिमिलर डाइट पर एक डेटा के थ्रू एक रिसर्च की। दोनों ग्रुप्स में फर्क बस इतना था कि एक ग्रुप को डेयरी में A1 प्रोटीन का दूध दिया गया और दूसरे को A2 प्रोटीन का। सामने आए नतीजे बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले थे। दोनों ग्रुप्स को अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स पर जज किया गया और नतीजों से ये साफ पता चला कि पार्शियली A1 मिल्क प्रोटीन बहुत तरीकों से इंडियन जीन्स को हानि पहुंचा सकता है। एक और पैरामीटर के जरिए समझते हैं कैसे। इन्फ्लेमेशन की रीडिंग्स में दोनों ही ग्रुप्स में ज्यादा फर्क नहीं देखा गया, यानी बॉडी के रिटेंशन में दोनों ही प्रोटीन्स के अमीनो एसिड सिमिलर काम कर रहे थे। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में पाए गए A1 प्रोटीन ग्रुप को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगा और इस ग्रुप में ज्यादा एरर्स भी पाए गए। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर अटैक कर देता है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों या टीनेजर्स में डायग्नोज होती है। कुछ स्टडीज ने A1 प्रोटीन को टाइप 1 डायबिटीज से जोड़कर देखा है, जबकि A2 प्रोटीन के साथ ये एसोसिएशन नहीं पाया गया। लेकिन सभी रिसर्चर्स इस बात से सहमत नहीं हैं, और ये जरूरी नहीं कि मिल्क कंजप्शन से डायबिटीज का रिस्क बढ़ ही जाए। A1 वर्सेस A2 प्रोटीन को बेहतर समझने के लिए रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट कर कोलेस्ट्रॉल रीडिंग्स ली गई थी। इंटरेस्टिंगली A1 प्रोटीन कंज्यूम करने वाले रैबिट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफी हाई पाए गए, जबकि A2 प्रोटीन वाले रैबिट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं देखे गए। हालांकि ये स्टडी अभी तक इंसानों पर नहीं हुई और इस स्टडी का डायरेक्ट लिंक ह्यूमन से नहीं जोड़ा जा सकता। ये डिफरेंस अपने आप में आपको सोचने पर मजबूर करता है। संक्षेप में समझे तो हर पैरामीटर पर A1 अमीनो एसिड्स A2 से पिछड़ जाते हैं, इसलिए बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स के लिए A1 प्रोटीन सूटेबल नहीं होता। पर याद रहे, इसका मतलब ये नहीं कि A2 प्रोटीन लैक्टोज इंटॉलरेंस का क्योर है। इसका मतलब बस ये है कि बहुत से सूरतों में A2 बस एक बेटर सोर्स है। बाकी अपनी सेहत के लिए आप अपनी डाइट में जो भी चेंजेस करते हैं बिना प्रॉपर रिसर्च या डॉक्टर की कंसल्टेंसी के मत कीजिए। एंड अगर आप तलाश रहे हैं A2 प्रोटीन के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन, तो स्वदेशी वीआईपी की लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, जिन्हें आप हमारी वेबसाइट के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। बाकी रिसर्च पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पूरी स्टडी और रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।